हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा सात विषय हिंदी, निबंध दूरदर्शन से लाभ हानि। दूरदर्शन टेलीविजन, लाभ टेलीविजन थी थटा लाभ, हानि नुकसान। टेलीविजन थी फायदा ने नुकसान। हाशियानी बाजू में થોડોક તો ગેપ રાખો, સ્પેસ રાખો પેરેગ્રાફ માટે। વિજ્ઞાન ને આજ કે યુગ મે બહુત ઉન્નતિ કર લી હૈ। વિજ્ઞાન ને અદ્ભુત આવિષ્કાર કિયા હૈ। આજ કા મનુષ્ય દિનભર કી ભાગદોડ કી વજહ સે શારીરિક ઓર માનસિક થકાવટ દૂર કરને કે લિયે मनोरंजन की जरूरत होती है। आपकी कॉपी में लिख लो, सेकंड पैराग्राफ आगे पैराग्राफ करके लिखो। दूरदर्शन यानी टेलीविजन दूरदर्शन यानी टेलीविजन विज्ञान का अनोखा वरदान है। विज्ञान का अनोखा वरदान है। टेलीविजन यानी टीवी यानी दूरदर्शन आज सारी दुनिया का हृदयहार बन गया है। सारी दुनिया का हृदयहार बन गया है। टेलीविजन दूरदर्शन विज्ञान का अनोखा वरदान है। टीवी यानी कि टेलीविजन, उसको दूरदर्शन भी कहते हैं हिंदी में, सारी दुनिया का हृदयहार बन गया है। लिख लिया, सिर्फ आपकी उंगली बताए, लिख लिया पैराग्राफ, एक उंगली से दिखाओ, हो गया। आगे लिखेंगे, मैं बोल रही हूं आपकी कॉपी में, बाद में ये पूरा निबंध मैं आपको लिखा हुआ भेज देती हूँ, पहले हम चर्चा कर ले जिसे आपकी समझ में आ जाए। हाँ, दूरदर्शन टेलीविजन एक जादू का पिटारा है। बच्चों को अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल भले याद ना हो, लिखते जाओ। बच्चों को अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल भले याद न हो, पर दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रम, टेलीविजन की दैनिक कार्यक्रम उन्हें याद रहता है। बूढ़े लोग, नौजवान के साथ साथ बूढ़े लोग भी टेलीविजन के कार्यक्रमों का आनंद लेकर अपना जो नीरस जीवन है, वो अपना नीरस जीवन टेलीविजन के कार्यक्रम देखकर आनंदमयी बनाते हैं। आगे, घर की औरतें भी टेलीविजन
टेलीविजन की एक कार्यक्रम लेने में अपना पूरा घर का कामकाज जल्दी जल्दी पूरा कर लेती है और टेलीविजन की एक कार्यक्रम देखने बैठ जाती है। जिनके घर में टीवी नहीं होता है वे अपने आसपास के मित्रों के घर पर जाकर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने चले जाते हैं। आगे दूरदर्शन पर देश विदेश की कोने कोने की खबरें, समाचार, खबरें मीन्स समाचार, दृश्य फिल्म, कॉमेडी फिल्म, अपना पसंदीदा कार्यक्रम, खेल, क्रिकेट मैच, सभी कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण सभी लोगों के दिलों में सहानुभूति जगा देता है। मनोरंजन एवं ज्ञान वर्धन के क्षेत्र में मनोरंजन, मनोरंजन એટલે આપણે જે કઈ કાર્યક્રમ ફની જોતા છે, કોમેડી જોતા છે, ये सभी कार्यक्रम ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। आजकल तो बच्चों को कॉमेडी फिल्म बहुत पसंद है, जैसे आप लोग देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कपिल शर्मा शो, बच्चों को यह बहुत फनी लगता है, बहुत इंटरेस्ट, बहुत मजा, आनंद मिलता है। बच्चों के साथ बड़े बड़े भी यह कार्यक्रम देखने में मशगूल तल्लीन हो जाते हैं। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस जैसे खेल हम घर बैठे देख सकते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की कुछ श्रृंखलाएं लोगों के दिलों में बस गई है। आजकल हर न्यूज चैनल या तो कोई भी मूवी फिल्म, कॉमेडी फिल्म, बीच बीच में हमें विज्ञापन, विज्ञापन मीन्स जाहिरात, एडवर्टाइजिंग बार बार आती रहती है। हम वह ऐसी विज्ञापनों को देखकर हर चीज की, वस्तु की जानकारी ले सकते हैं। दूरदर्शन शिक्षा के प्रसार और लोक जागरण का माध्यम भी है। दूरदर्शन मीन्स टेलीविजन, टेलीविजन के माध्यम से हम शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे आज आपके मोबाइल देखकर आप आपके क्लासेस ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी माध्यम है। दूरदर्शन, टेलीविजन या कंप्यूटर एक क्रांतिकारी माध्यम है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की प्रेरणा से आज धार्मिक, सामाजिक, सांप्रदायिक संकीर्णताओं की दीवारें भी बढ़ रही है। जैसे हम अलग अलग कार्यक्रम देखते हैं, हमें धार्मिक सभी धर्म के कुछ न कुछ बातें हमें जानकारी मिलती रहती है। सामाजिक हर धर्म, हर समाज के लोगों की कार्यशैली भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, मालूम ले सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और सहयोग की जड़ें मजबूत बन गई है। टेलीविजन से जो राष्ट्रीय एकता, सद्भाव यानी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार और सहयोग, जैसे कि आजकल ये मौसम बारिश का हो रहा है, कहीं और कोई ऐसी कुदरती आपदा
बहुत पानी, बहुत बारिश हो गई, पूर आ गया, नदी नाला रास्ते पानी से भर गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया,